गुड इवनिंग फ्रेंड्स अब जिसको भी नींद आ रही है वो शायद उठ जाएंगे ऐसा लग रहा है मुझे i have only 45 minutes for 30 minutes i will explain you about simple option writing and in 15 minutes you can ask me question

मैं सिर्फ ओनली बैंक निफ्टी ऑप्शन में ट्रेडिंग करता हूँ और कुछ नहीं करता बीच में मैंने निफ्टी चालू किया था लेकिन निफ्टी में एडजस्टमेंट बहुत डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी सो अभी ओनली मैं सिर्फ बैंक निफ्टी में करता हूँ आज की प्रेजेंट कंडीशन में जो जिस तरह से मूवमेंट हो रहा है उसके बारे में मैं आप सबको सामने जो बताऊंगा वो थोड़ा काम आएगा आपके लिए कि अभी मैं कैसे ट्रेड करता हूँ आज की कंडीशन में क्योंकि आज के कंडीशन में अगर कोई भी बंदा दोनों तरफ स्ट्रेंगल करता है तो प्रॉफिट नहीं आ रहा है स्ट्रेंगल मीन्स कि अगर कॉल एंड पुट सेल करके बैठ जाएगा फास्ट मूवमेंट आएगी 100 100 वाला बेचोगे दूसरा 80 होगा दूसरा 200 हो जाता है हो जाता है ना तो लॉस ही होता है ना तो ऐसे मार्केट में आप कैसे ट्रेड करोगे वो मैं आपको बताऊंगा और इस सिंपल है कि आप सोचोगे भी नहीं कि ऐसे भी पैसे बनता है बनते हैं कि नहीं बनते अभी प्रेजेंट कंडीशन मार्केट की कैसी चल रही है डाउन साइड डाउन साइड चल रही है तो सब लोगों को सेल करने में डर लगेगा हम कॉल सेल करोगे तो उसमें भी डर लगेगा क्यों डर लगेगा अगर आप एनएससी की ऑप्शन चेन पे जाओगे हजार पॉइंट दूर वाला कॉल अगर 150 पे ट्रेड कर रहा है तो हजार पॉइंट दूर वाला पुट 300 पे ट्रेड करता होगा बराबर है अगर आप 150 वाला पुट सेल करोगे 150 वाला कॉल सेल करोगे 500 पॉइंट में वो 150 वाला 300 हो जाएगा वो उधर का उधर ही रहेगा कॉल की कॉल की प्रीमियम इतनी बढ़ जाएगी ना अपसाइड में डाउन साइड से ज्यादा आपको रिस्क सबसे ज्यादा लगेगा अपसाइड में आज की प्रेजेंट कंडीशन में अभी लास्ट फ्राइडे का एग्जाम्पल ले लो ये वाले फॉल में यहाँ से ये लेवल पे जो कॉल वन फोर्टी ट्रेड कर रहा था ये जो मैं यहाँ पे कर सर जो यहाँ पे थर्टी फाइव एट हंड्रेड का कॉल वन फोर्टी पे ट्रेड कर रहा था ये वाले चार्ट में देखना है तो देख लेना जैसे ही अपसाइड आया वो सीधा थ्री ट्वेंटी के ऊपर मोर देन डबल सामने अगर आपने पुट सेल किया है वन फोर्टी वाला सेवन भी नहीं गया होगा वो आपको क्या होगा इसमें लॉस बुक तो ये मार्केट प्रेजेंट कंडीशन में आप कैसे ट्रेड करोगे ओनली <coughs> एक ही सिस्टम काम करेगा ये टाइम में रिवर्सल आपको फाइंड करना है यहां से रिवर्स कैसे होता है और यहां से रिवर्स कैसे होता है बस उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा बाकी यहां पे जितने भी बैठे हैं पूरे ऑप्शन सेलर है स्ट्रेंगल सेल करके आया स्टेडल सेल करके आएगा उनको पता है लो वी में मूवमेंट कैसे करता है वो इजिली मैनेजेबल होता है बट आज की कंडीशन में वेरी डिफिकल्ट रहता है अगर यहां पे मान लो ये सिंपल चार्ट में आपको थ्री मिनट्स का चार्ट है मैं इंट्राडे में थ्री मिनट फॉलो करता हूं और रिवर्सल कैसे फाइंड करता है वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी यहां पे देखो ये यह यहां पे फॉल हो रहा है गैप डाउन होके इंट्राडे में यहां पे इमिडियटली लो बनाया ये लेवल पे और ये सबसे बड़ी कैंडल कौन सी आपको यही दिख रही है अभी सिर्फ स्टार्टिंग में आप इसको फॉलो करो यहां से नीचे जा रहा है मीन्स की ब्रेक हो रहा है तो आप ये लेवल के ऊपर इंट्रा अगर सेल कर रहे हो इंट्रा तो यहां से आप कॉल ये एटलीस्ट इसके स्ट्राइक के ऊपर आप कॉल सेल कर सकते हो अगर नीचे कंटिन्यूस फॉल हो रहा है आज की कंडीशन में ऐसा मत सोचो कि नीचे गया अभी मेरा कॉल जीरो होने वाला है मैं दो तीन दिन होल्ड करूंगा तो हम्म ये आपकी सोच गलत रहेगी क्योंकि जैसा नीचे जा रहा है ऐसा ऊपर भी आएगा प्रेजेंट कंडीशन में क्योंकि वन साइड मूव आपको मिलने वाला नहीं है और आपको अगर देखना है तो चार्ट निकाल के देख लो ये सब रहा है। बोल ही रहे बोल रहे हैं ना अभी यहां पे अगर देखो अगर ऐसे आपने कॉल सेल किया या नीचे जाके तो इसको ट्रेल करते जाओ जैसे नीचे जा रहा है अगर ऐसे आपने ये सपोर्ट ब्रेक पे अगर काम किया है तो अगर रिवर्सल फाइंड कैसे करना है देखो ये मार्केट देखो यहां पे आपको कंपैरिजन क्या करना है जब भी मार्केट में सपोर्ट ब्रेक करता है ना फॉलिंग वॉल्यूम के फॉलिंग वॉल्यूम के साथ कंपेयर करो आप ये लेवल पे देखो यहां पे जो आपको वॉल्यूम दिख रहा है वन 110 के वॉल्यूम दिख रहा है यहां पे सेलिंग के टाइम पे जब भी नया लो बना रहा है ना यहां पे देखो वॉल्यूम की इंटेंसिटी बहुत कम हो द, कम होती जा रही है हु? क्या इंडिकेट कर रहा है वो नया लो पे सेलिंग में इंटरेस्ट नहीं है मतलब इंट्रा के लिए अभी ये टाइम पे क्लियर दिख रहा है आपको आपको सिर्फ मूवमेंट ऑब्जर्व करना है ना ही कि कोई इंडिकेटर ऑब्जर्व करना है अगर आपको ट्रेंड कैच करना है तो वॉल्यूम इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर ट्रेडिंग बाकी सब कैंडल बनने के बाद इंडिकेटर बनेगे जो भी है आर एस आई है आपका कोई भी मूविंग एवरेज है कुछ भी कोई भी इंडिकेटर लगा लो ये सब एक बार कैंडल बनेंगे मूवमेंट आएगा उसके बाद वो सब इंडिकेटर बनते हैं नहीं तो उसके पहले बन जाएंगे तो वो बिना प्राइस के कैसे इंडिकेटर बनेंगे बनेंगे नहीं बनेंगे आपको यही बता रहा है कि मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है और फॉलिंग वॉल्यूम की इंटेंसिटी बहुत कम होती जा रही है हुँ? अभी ये वाला कैंडल देखो यहां से ये ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो यहां से लिफ्ट करने की कोशिश किया था ये नीचे आया नया लो बनाया लेकिन इमिडिएटली यहां पे आपको यह देखा रहा है ये ग्रीन कैंडल के वापस ऊपर जा रहा है क्योंकि ये नया लो बनाने के बाद भी मार्केट नीचे नहीं जा रहा है बराबर है ना ये नए लो के बाद अगर मार्केट नीचे नहीं जा रहा है और नया लो कैसे बनाया वॉल्यूम उसके बाद देखो धीरे धीरे कम होता जा रहा है फिर यहां से जैसे ही आपको अपसाइड मोमेंटम दिखता है जब वॉल्यूम आए देखो सिर्फ एक कैंडल के बेस के आपको डिसीजन लेना है और कौन सा कैंडल रहेगा ये हाई वॉल्यूम वाला यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे ये ये सब तो चार्ट बनने के बाद सबको पता चलता है बराबर लेकिन सिर्फ ये देख के आपको सिर्फ क्या करना है डिसीजन लेना है क्या करना है अगर मैंने कॉल बेचा है तो काट लो ये कंडीशन में आप फूट सेल नहीं कर पाओगे लेकिन कॉल अगर सेल किया तो काट तो काट काट तो सकते हो ना कि नहीं कर सकते वो क्योंकि यहाँ पे जितने भी बैठे वो ऑप्शन सेलर हैं, मैं यही मानता हूँ क्योंकि ये ऑप्शन है ऑप्शन बायर रहेगा तो वो उनके लिए मेरी स्पीच कुछ काम नहीं आने वाली है कोई भी अगर ऑप्शन बायर है तो क्योंकि मैं ऑप्शन बाय नहीं करता हूँ अगर उनको ऑप्शन बायर है तो ऐसे सिर्फ ये कैंडल के बेस पे बाय कर सकते हैं और यहाँ से जो लो बना रहा है कैंडल के लेवल के बेस पे वो स्टॉपलेस लगा के ऑप्शन बाय कर सकते हैं लोग पैसा बन सकता है लेकिन मुझे नहीं पता है कि मुंह कितना आ सकता है वो और कोई भी ऑप्शन बाय करेगा तो उसको भी पता नहीं रहेगा कि कितना जाने वाला है वो दस या बीस पॉइंट में निकल जाएगा या पचास पॉइंट में निकल जाएगा वो खुद का पूरा कैपिटल भी दाव पे नहीं लगाएगा इसलिए ऑप्शन बाइंग में जो पैसे बनते हैं उसके चांसिस बहुत लिमिटेड है बंदे में कि कोई भी बंदा फुल कैपिटल नहीं लगाएगा अगर लगाएगा तो एक दिन में खत्म होने वाला क्योंकि दस में से आठ बार सही होगा नाइन और टेंथ में वो जीरो इसलिए यहां पे अगर आप देखोगे ये आपको वॉल्यूम बताते जा रहा है ऐसे ऊपर जा रहा है अभी आपको टॉप से अगर रिवर्सल फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करना है अभी मेरी, मेरी, मेरा ही मैं ट्रेड का आपको एग्जांपल दे रहा हूं गैप डाउन हुआ था मैंने कॉल सेल किए थे फ्राइडे को मैंने कौन से किए थे ये लेवल कौन सा दिख रहा है आपको थर्टी फाइव एट हंड्रेड थर्टी फाइव एट हंड्रेड बराबर ये टू डेज का हाई पकड़ के मैंने थर्टी फाइव एट हंड्रेड कॉल सेल कर दिया अभी जैसे ये रिवर्सल आया मैंने कॉल को एक बार काट लिया क्योंकि आज की कंडीशन में न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग हो रहा है कितना ऊपर जाएगा वो हमको पता नहीं है अगर सीज फायर कर दिया वॉर में तो हो सकता है मार्केट बहुत फुल रिवर्सल में आ जाए तो आपको स्टॉप लॉस करना ही है अगर वापस समझ लो कि ये पूरा अपमु आया अभी नीचे जा रहा है ऐसे अभी मैक्सिमम वॉल्यूम कहाँ पे है आपका ये जो वॉल्यूम है ये कैंडल से स्टार्ट हुआ है अगर वापस ये लेवल पे यहां पे आ जाता है तो अगेन अगर आपने कॉल काटे तो वापस सेल कर लो अपू के बाद अगर वापस सेम डे नीचे आ जाता है तो इसमें सेलर डोमिनेट हो जाते हैं डाउन साइड के लिए आप एटलीस्ट वापस थर्टी फाइव एट हंड्रेड का वापस कॉल सेल कर सकते हो अगर मान लो कि वापस भी अगर यहां से ऊपर जा रहा है ऊपर आपको एटलीस्ट एटी परसेंट गारंटी हो जाएगा कि मार्केट बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा है वो टाइम पे अगर दूसरी बार भी ऊपर जाता है तो आप थर्टी फाइव एट हंड्रेड कॉल जो सेल करके रखा है पुट सेल करके उसको एडजस्ट कर सकते हो लेकिन कब सेकंड कंफर्मेशन के बाद अगर यहाँ से भी रिवर्स होता है तो ये फर्स्ट में मैं अभी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता है कि मार्केट कब रिवर्जल रिवर्सल लेगा हो सकता है कि ये ब्रेक करने के बाद और भी ज़्यादा गिरे और अभी तो वही डाउन ट्रेंड चल रहा है तो मैं पुट सेल करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगा आज की कंडीशन में ओवर नाइट तो बिल्कुल नहीं क्योंकि गैप अप गैप डाउन कुछ भी हो सकता है अगर गैप डाउन हुआ तो आपका सीधा डबल ही होता है और ज्यादा हुआ तो आपको लॉस में ही काटना है अभी यह कंडीशन में देख लो एक दूसरा वाला एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे स्मॉल कंसोलिडेशन के बाद एक कैंडल थ्री मिनट में ऊपर गया इमीडिएटली वो रिजेक्ट हो जाता है तो सिर्फ ये दो कैंडल के बेस पे भी आप डिसीजन ले सकते हो क्योंकि आपको सबसे बड़ी वाली कैंडल ये देखो सबसे बड़ी वाली कैंडल ये वाली दिख रही है ना आपको ये टाइम फ्रेम भे, इतने में लिफ्ट करने की कोशिश की मोमेंटम क्या चल रहा था यहां पे अपसाइड का चल रहा था ये लेवल पे ये नीचे लाके ऊपर लिया यहाँ पे तो मतलब इंट्राडे ट्रेडर्स को क्या लगेगा कि मार्केट वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है इंट्राडे को वही लगेगा ना ये लेवल पे आप देखोगे तो अगर इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल उसको रिजेक्ट कर देता है आप बिंदास कॉल बेच सकते हो सेम थियरी आप बुट साइड में भी अप्लाई कर सकते हो अगर नीचे जा रहा है और इमिडिएटली लिफ्ट कर देता है सेकंड कैंडल तो समझ लो कि वो नीचे जिसने लिया उसके ऊपर बायर्स भारी हो गया है आपको ऐसी कैंडल सिर्फ फाइंड फाइंड करनी है और छोटी कैंडल नहीं बड़ी कैंडल देखने की अब ये देखो बड़ी कैंडल में से ये दिख रहा है ये वाली दिख रही है ये वाली दिख रही है फिर यहाँ पे ये दिख रही है आपको बड़ी कैंडल ये छोटी छोटे कैंडल को मैं काउंट नहीं करता इंट्रा के लिए सबसे बड़ी कौन सी बन रही है वो देखो वो बड़ी कैंडल के ऊपर और नीचे ब्रेक होता है आपको डिसीजन लेना है अगर यहाँ पे अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे फॉलो कर रहे हो यहाँ से कॉल बेचा वापस ऊपर गया अगर आप ट्रेडर हो तो स्टॉप स्टॉप आउट हो जाओगे यहाँ पे यहाँ पे स्टॉप आउट हो गए ये बड़ी कैंडल हुई अगर वापस वो ब्रेक हो जाती है ये वाला स्टॉप लॉस लगा के वापस आप फिर से कॉल सेल करोगे आपका स्टॉप होगा एक बार होगा तो दस पॉइंट लेके जाएगा दूसरी बार होगा तो भी दस लेके जाएगा लेकिन जब देखे जाएगा ना तो सीधा वो सेवेंटी एटी पॉइंट देके जाएगा लेकिन इसके केस में आपको क्या मारना पड़ेगा थोड़ा हाई प्रीमियम वाला कॉल सेल करना पड़ेगा यह केस में अगर आप रिवर्जल खेल रहे हो तो सिर्फ एक बड़ी कैंडल के बेस पे आपको डिसीजन लेना है अगर रिवर्जल फाइंड करना है तो ब्रेकआउट तो अगर आपको प्योर ब्रेकआउट पे खेलना है तो ये जो टू डेज का जो हाई है कंसिडर करोगे आप फर्स्ट वाला अगर आप देखोगे तो ये लेवल आएगा थर्टी फाइव फोर फाइव हंड्रेड के आसपास और उसके बाद जो बनेगा थर्टी फाइव एट हंड्रेड कम से कम एक बार ब्रेक करने के बाद उसके ऊपर एटलीस्ट 30 थर्टी मिनट ट्रेड करना चाहिए इंडेक्स अगर सस्टेन किया तब जा, तब, तब जा आपको तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि इंडेक्स लेवल सस्टेन कर रहा है और उसके बेस पे आप डिसीजन ले सकते हो कोई भी रहेगा डाउन साइड या अप साइड रहेगा अभी ये थर्सडे वाला रस और ये वेनसडे दे वाला देख लो यहां पे क्या हुआ था को फुल डे चल रहा था और लास्ट में ही अप किया मार्केट को ऑब्वियसली यहाँ पे जो कॉल सेलर है वो तो एक बार निकल जाएंगे क्योंकि दूसरे दिन वो ही सोचेंगे कि ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है नेक्स्ट डे अप भी हुआ और समझ लो अगर इसको पूरा अप रिजेक्ट करना है ना अगर ये लेवल के नीचे वापस आ गए आप तो समझ लो कि वो जो मुंह आया था ना वो टोटली फेक था। और दूसरा, एक ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो यहां पे जो हुआ फिर दूसरे दिन यहां तक रुका गैप अप होने के बाद वापस अगर ये लेवल पे आ जाता है तो ये जो हाई बनाया था उसका स्टॉप लॉस रख के भी आप कॉल सेल कर सकते हो ये रिवर्सल कैंडल में आपका लॉस बहुत कम रहेगा और रिवर्ड बहुत ज्यादा होगा उतना याद रखना स्ट्रेंगल सेल करोगे दोनों तरफ मिलके आज की प्रेजेंट कंडीशन में वो आपको प्रॉफिट नहीं देने वाले फ्राइडे मंडे एंड ट्यूसडे। क्योंकि वो उस दिन जीरो नहीं होने वाले है फ्राइडे मंडे एंड ट्यूसडे जो भी आप ऑप्शन सेल कर रहे हो क्योंकि मूव में एक डबल हो जाएगा तो दूसरा आधा भी नहीं होता है ये आपका एक्सपीरियंस तो होगा ही अगर जो भी कोई सेल कर रहा है तो फ्राइडे मंडे एंड ट्यूसडे आप रिवर्सल कैंडल पे खेल सकते हो सिर्फ आपका स्टॉप लॉस कम रहेगा एक बार लेके जाएगा आपका स्टॉप लॉस दूसरी बार लेके जाएगा लेकिन जब तीसरी बार देके जाएगा ना तो बड़ा देखे जाएगा वो दो लॉस भी आपका कवर करके प्रॉफिट में देके जाएगा ये कंडीशन में सेम अगर ये वाला कैंडल भी अगर आप पकड़ लो यहां पे, देखो ये फर्स्ट सपोर्ट ये यहां पे जो लो बना था उसके बाद वेनस पे आया, अगर वो रिवर्स आपको दिख रहा है तो आज की प्रेजेंट कंडीशन में कोई भी एटलीस्ट बाय करने की तो नहीं सोचेगा किसी की भी किसकी हिम्मत है आज की कंडीशन में बाय करने की है किसी के हा? कोई बोलेगा कि मैं आज की कंडीशन में हैवी क्वांटिटी में बाय करके जा सकता हूँ तो एकदम स्किल ट्रेडर होगा वो भी मैं आज के कंडीशन में मेरी भी पुट सेल करने की हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि इंट्राडे करूँगा, करूंगा तो मुझे पता नहीं कि कब वापस घिर जाए ओवर नाइट में लेकर जा नहीं पाऊंगा क्योंकि कल कुछ भी हो जाए अभी प्रेजेंट जो जियो जियो अपना टेक्निकल अपना टेंशन चल रहा है अपना यूक्रेन और रशिया के बीच में अगर मान लो कि कल उसने न्यूक्लियर अटैक कर दिया तो क्या होगा मार्केट में वो डर तो रहेगा सबके क्योंकि उसने उसका को दिमाग है ना बहुत ही कैसा बनता है वो किसी की सुनता नहीं है कुछ भी कर सकता है वो वो डर तो रहेगा ना इसलिए मैं अभी आज की डेट में फूड सेल कर ही नहीं रहा हूँ ओवर अगर आप कॉल सेल करना है तो दूर के करके जाओ अगर इंट्रा में खेलना है तो स्टॉपलस लगा के खेलो और रिवर्सल कैंडल पे आप खेल सकते हो यहाँ पे ये देखो बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है अभी मैं ऑप्शन राइटिंग करता हूं ओनली वीकली ऑप्शन मंथली मैंने कभी भी आज तक हाथ नहीं लगाया इसमें क्यों नहीं लगाया उसका भी एक रीजन मैं बताता हूँ अभी ये बैंक निफ्टी का चार्ट है ये नाइन मंथ्स का चार्ट है अगर इसको मैं वन ईयर का चार्ट करता हूं देखो के चार्ट में देखो आप लोगों को यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा था थाउंड सिक्स हंड्रेड अगर कोई बंदा यहाँ पे ये अक्टूबर मंथ और नवंबर मंथ मन्त में मंथली का एटलीस्ट थर्टी नाइन थाउजेंड कॉल सेल करके बैठ जाएगा कि वो तो उतना जाएगा नहीं तो यहाँ पे क्या हाल हुआ था कंटिन्यूस फोर्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तक गया था हु? अगर उसको एडजस्ट करने के लिए मान लो कि अगर उसने कुछ कट नहीं किया एडजस्ट करने के लिए फ्यूचर बाय कर दिया या पुट सेल किया तो नेक्स्ट नेक्स्ट में उसका हाल देखो क्या होता है इसलिए मंथली में कोई दस दिन के ऊपर या पंद्रह दिन के ऊपर ट्रेंड प्रेडिक्शन करना इजी बात नहीं है मैं तीन चार दिन का ट्रेंड गेस कर सकता हूं लेकिन पाँच छः सात दिन में क्या होने वाला है वो मुझे भी पता नहीं है इसलिए मैं वीकली प्रीफर करता हूँ ऑप्शन सेलिंग के लिए अगर मान लो कि देखो यहाँ पे मैंने वीकली थर्टी नाइन थाउजेंड कॉल बेचा है तो चार दिन में तो खेल खत्म हो जाता है ना मेरा काम हो जाता है लेकिन अगर मैं मंथली सेल करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा अगर यहाँ पे चला गया तो मैं एडजस्टमेंट करता रहूंगा अगर नीचे आया तो मुझे पुट भी लॉस देगा ऊपर गया था तो कॉल भी लॉस देगा ये ऐसी कंडीशन आ जाती है आपने जो पाँच छः महीने में जो प्रॉफिट बनाया होगा ना ऐसे टाइम में ये लेके चला जाएगा आपका मंथली में इसलिए मंथली में नहीं करता हूं कुछ लोग करते होंगे अगर वो एडजस्ट कर सकते हैं तो वो अपना प्रोसेस कंटिन्यू रख सकते हैं अगर मैंने मना किया तो ऐसा मन नहीं कि आप लोग अपना बंद कर दें मेरा ट्रेडिंग है ना एकदम सिंपल है अगर कोई किसी को मैं बोलूंगा कि मैं सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख के ऑप्शन राइडिंग करके मैंने आज की डेट में ये लेवल पे पहुँचा हूँ तो कोई मानेगा भी नहीं कुछ लोग बहुत सारे इंडिकेटर्स देखते हैं बॉलिंगर बैंड देखते हैं आर एस आई देखते हैं इनमें से मैं एक भी चीज़ नहीं देखता हूँ आपके सामने जो मैंने यहाँ पे जो ये जो चार्ट ओपन किया ना बैंक निफ्टी में उसमें देखो ये जो अपना वॉल्यूम है और ये कैंडल है और यहाँ पे मैं एक और चीज लगा दूंगा वीवेप बस ये मेरे लिए काम हो गया और मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है इसके बेस पे सिर्फ मैं ट्रेडिंग करता हूं और कुछ नहीं करता हूं आपको वीवेप जो है वो एवरेज वॉल्यूम जो ट्रेड होता है ना उसका एवरेज प्राइस बता के जाता है सिंपल इंडिकेटर है ये अगर इसके ऊपर चल रहा है तो बायर स्ट्रांग है अगर इसके नीचे चल रहा है तो सेलर स्ट्रांग है और कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है और बाकी का काम आपका बिग वॉल्यूम कैंडल डिसाइड कर लेगा कि आपको क्या करना है अभी ये कैंडल में देखो ये बड़े वाले कैंडल से बाइंग आया मतलब किसी ने तो बड़े कैंडल से बाय किया है या तो शॉर्ट कवरिंग किया, किया है या फ्रेश बाइंग किया है हाँ अगर वो फॉलोअप कैंडल भी बाइंग होता है तो समझ लो कि इंट्रा डे के लिए आज की कंडीशन में मैं इंट्रा डे इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे पोजिशनल बाइंग मैं प्रीफर नहीं करूंगा ये स्टेज में पोजिशनल बाइंग आप रहोगे एक्सपीरियंस ट्रेडर रहेगा तो वो भी प्रीफर नहीं करूंगा सिर्फ मैं इंट्रा के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि इंट्रा डे के लिए आप अगर जा रहा है ऊपर अगर कॉल सेल है तो आप काट लो वापस इमिडिएटली ऐसा मत सोचो कि ये तो जीरो ही होने वाला है हो सकता है कि न्यूज आ गया पॉजिटिव तो ये और भी ऊपर जाए अगर हमको वापस सेल करना है तो कंफर्मेशन मिलेगा वापस वो नीचे आ जाएगा अगर कोई न्यूज नहीं रहेगा तो यहां पे देखो अगर समझ लो कि मार्केट में प्रेजेंट कंडीशन मतलब नॉर्मल मार्केट चल रहा है गैप अप गैप डाउन कुछ भी नहीं हो रहा है सिंपल चल रहा है अपना नॉर्मल फ्लैट ओपन हो रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है आपको सिर्फ क्या फाइंड करना है वीकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड फाइंड करना है अगर मैं ये अगर वीकली में देखूंगा तो यहाँ पे देखो मुझे 36500 का सपोर्ट मिल रहा है रेजिस्टेंस मिल रहा है यहाँ पे और नीचे में ये 34000 का सपोर्ट मिल रहा है हम अभी कहाँ कौन से लेवल पे चल रहा है 34 के पास चल रहा है पुट सेल नहीं करने का क्यों नहीं करने का क्योंकि डाउन साइड चल रहा है ये मैं ये बड़ी मूवमेंट भूल जाऊं अभी ये, सिंपल बोल रहा हूं इमेजिन कर लो कि सिंपल ही चल रहा है ये वाला देख लो यहां पे देख लो अगर प्रेजेंट आपको नहीं देखना है तो यहां पे देख लो अगर ये कंडीशन में देखोगे आप ऐसा ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड कर लो सपोर्ट के ऊपर सपोर्ट के नीचे वन परसेंट नीचे चले जाओ रेजिस्टेंस के ऊपर वन परसेंट के नीचे चले जाओ आपके अकाउंट में पैसे आएंगे ही आएंगे नीचे के नीचे चल रहा है तो कॉल बेचो अगर ऊपर की रेंज पे चल रहा है तो ओनली पुट सेल करो लोग क्या करते हैं दोनों तरफ पैसा बनाने के लिए कॉल एंड पुट दोनों बेच के जाते हैं क्योंकि दूसरी तरफ मार्जिन कम लगता है बराबर तो उनको लालच आ जाती है कि एक लाख में मैं एक पुट ऑप्शन बेच सकता हूं तो मुझे दूसरा लॉट कॉल बेचने के लिए सिर्फ दस पंद्रह हजार ही लगते हैं तो मैं क्यों ना बेचू पहले दिमाग में यह ख्याल आता है यहाँ क्या कम क्या आता है लोगों के दिमाग में ग्रीड कि मैं और पुट बेच कॉल बेच के भी और पैसा कमा लू अगर ये बॉटम पे चल रहा है मान लो कि सपोर्ट नहीं लिया और नीचे गया तो क्या होगा पोजिशनल में अगर दूसरे दिन गैप डाउन हुआ नॉर्मल भी बजाज चल रहा है तो लॉस होगा ना आपको जो मतलब दूसरी तरफ जो मिलने वाला है कॉल साइड में वो आपका बेनिफिट चला जाएगा और आपको सिर्फ उसी वीक लॉस कवर करने में जाएगा जो पुट साइड में लॉस होता है अगर मान लो कि आपने यहाँ पे सिर्फ कॉल ही बेचा है पुट नहीं बेचा है अगर रिवर्स होता है एटलीस्ट यहाँ से डेढ़ परसेंट ऊपर जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस तो आएगा ना कि सपोर्ट ले लिया अभी हा? वो टाइम पे पुट सेल करना चालू करो अगर आपने कॉल सेल करके रखा है रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो ही आपको कॉल निकालना है कुछ लोगों का क्या होता है कि फिफ्टी से प्रीमियम चला जाता है एटी चला जाएगा नाइनटी चला जाएगा हंड्रेड भी जाएगा डर जाएगा ये तो डबल हो गया लेकिन वो कितने टाइम के लिए जाता है सिर्फ जब तक मार्केट ऊपर जाता है रेजिस्टेंस के पास होल्ड करेगा वो वापस नीचे वो प्रीमियम आ जाएगा जैसे जैसे टाइम जाएगा अगर समझ लो कि रेजिस्टेंस उसको ब्रेक करना ही है अगर कुछ लोग बोलेंगे अगर बीच में आया और दूसरे दिन भी हैवी वॉल्यूम से ऊपर गया तो हमको तो कॉल में भी लॉस हो जाएगा अगर निकाला नहीं तो आपको उसका इंडिकेशन कैसे मिलेगा अगर बॉटम से कोई भी मार्केट अगर बॉटम से ऊपर जाता है हुँ? तो बीच में जितने भी सेलर है ना सबको साफ करना है उनको बायर्स को उसके लिए क्या होगा जितने भी ऑर्डर्स है बाय करने पड़ेंगे बाय करेंगे ऑर्डर्स क्या बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा आपको यहाँ पे इंडिकेशन मिल जाता है अगर ऐसे कैंडल बैक टू बैक आ रहे हैं कंटिन्यूअस आधे घंटे के लिए एक घंटे के लिए ऊपर ही जा रहा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बाइंग हैवी साइड है तो टेम्पररी वो टाइम पे कॉल काट भी सकते हो और नीचे की फूट साइड में जा सकते हो अगर समझ लो कि ये ये वाला जो अपमू आया ये छोटे छोटे वॉल्यूम्स आएगा ना मैं मेरा, मेरा पोजिशन नहीं निकालूंगा अगर ऐसा बैक टू बैक वॉल्यूम अगर मान लो कि ये जो वॉल्यूम चार पांच कैंडल में बना अगर नेक्स्ट कैंडल में भी ऐसा रहता ना तो कॉल सेल होल्ड करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये आपको यहाँ पे जो बाइंग है वो स्ट्रोंग हो रहा है क्योंकि जितने भी सेल ऑर्डर है वो मार्केट जो बायर्स है ऑपरेटर है वो एब्जर्व कर रहा है पूरे के पूरे आपको सिर्फ यही ऑब्जर्व करना है ऑपरेटर कर का दिमाग अगर कैसे पढ़ना है तो सिर्फ आपको ये वॉल्यूम बता सकता है और कोई नहीं बता सकता है हुँ? कोई इंडिकेटर नहीं बताएगा आप, आपको ऑपरेटर का दिमाग अगर मार्केट में कितने टाइप के ट्रेडर होते हैं देखो कोई रेजिस्टेंस पे सेल करने वाला रहता है कोई सपोर्ट पे बाई करने वाला रहता है अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस है यहाँ पे ये लेवल पे तो कुछ मार्केट में 10 से 15 परसेंट ट्रेडर ऐसे हो गए कि रेजिस्टेंस पे सेल ऑर्डर रख के बैठ जाते हैं और उसके ऊपर सिस्टम में स्टॉपलस लगा के भी बैठ जाते हैं वो लोगों का ऑर्डर अगर यहाँ पे फिल करना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे वॉल्यूम बनेगा ये लेवल पे वो वॉल्यूम जनरेट होगा तो आपको यहां पे दिखाई देने वाला है और उसके बेस पे आपको डिसीजन लेना है कि आपको दिख रहा है इमीडिएटली ऐसा किसको समझ में आएगा जो एक्सपीरियंस शेडर है स्क्रीन के सामने बैठते हैं कंटिन्यूस देखते हैं उनको ही समझ में आएगा जो एक्सपीरियंस शेडर है वो समझ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं अगर ऊपर ये छोटे छोटे वॉल्यूम से अगर ऊपर जा रहा है तो उसका मीनिंग क्या है बायर उतना स्ट्रांग नहीं है कि अगर समझ लो कि मुझे पता है कि मुझे ऊपर ही लेके जाना है वह हज़ार पॉइंट दो हज़ार पॉइंट मैं कम क्वांटिटी बाई करूंगा मैं कितनी करूँगा मैं जितनी आ सके उतनी करूँगा ना तो यहाँ पे दिखेगा आपको अगर रिवर्सल अगर समझ लो कि यहाँ पे अगर ये लेवल पे आपने ऐसे सिंपल कॉल करके सेल करके रखा है और नीचे से अगर स्ट्रांग बाइंग आता है तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ ऑब्जर्व करना है कि बैक टू बैक कंटिन्यूस वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है तो टेंशन नहीं लेने का वो सिर्फ पचास का हंड्रेड होगा टेम्पररी वो वापस नीचे भी आ सकता है अगर पचास का हंड्रेड होता है अगर मार्केट यहाँ से वन डेढ़ परसेंट दो परसेंट ऊपर चला जाता है तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि थर्टी फोर का सपोर्ट लिया थर्टी फोर थाउजेंड या उसके नीचे का जो आप ऑप्शन सेल कर सकते ऑप्शन वो सेल कर दो और स्ट्रेंगल बना के एडजस्ट करो अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो तो अगर आप प्योर बायर है तो कॉल भी बाय कर सकते हो छोटे स्टॉपलर से एक कंडीशन ऐसे है कि, कि दूसरे दिन भी अगर किसी ने काटा नहीं है तो कंटिन्यूस ऊपर गया मार्केट लास्ट एडजस्टमेंट क्या होगा आपका स्टेडल स्टेडल सेल करके आप एडजस्ट कर सकते हो जो स्टेडल का प्रीमियम समझ लो कि कंबाइंड 300 प्लस 300 600 हो गया तो दोनों तरफ 600 हंड्रेड स्टॉपलस लगा के बैठ जाओ अगर कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है तो एक स्टॉपलस हो जाएगा दूसरी तरफ का लेग आपको एटलीस्ट वो यहाँ से लॉस नहीं देगा और दूसरा अगर आपके पास बैलेंस कैपिटल है तो ट्रेंड अगर क्लियर हो जाता है तो वन साइड आप सेल कर सकते हो ऐसे टाइम में हो सकता है कि आपको वन वीक प्रॉफिट ना आ जाए लेकिन नेक्स्ट वीक आपको कंफर्मेशन देता है कि मार्केट ने स्ट्रांग सपोर्ट ले लिया बड़ा वाला प्रीमियम सेल कर सकते हो कर सकते हो ना ये कैसे आ गया ये कैसे जब जैसे जैसे आप ट्रेड करोगे एक्सपीरियंस होगा तब जाके आपके हाथ में ये सब आएगा जो आज के डेट में अभी देखो नॉर्मल चल रहा है यहां पे 34 से अगर ऊपर जा रहा है सिंपल अपना ये विक्स नहीं है कुछ भी नहीं है सपोर्ट लेके ऊपर चला गया तो मैं थर्टी फोर के ऊपर जितना भी मतलब थर्टी फोर थाउजेंड का जो भी प्रीमियम होगा ना मैं सेल कर दूंगा एक बार क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस आ चुका है कि यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया अगर दो परसेंट ऊपर गया डेढ़ परसेंट ऊपर गया तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ने वाला है क्योंकि सपोर्ट ले लिया अभी प्रोबेबिलिटी क्या है हाई चांस प्रोबेबिलिटी यही है ट्रेडिंग में देखो अगर आप ऑप्शन सेल करते हो ना तो प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है जीरो होने की वो स्ट्राइक फाइंड करो हुँ? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कौन सी रहेगी 34,000 मैं 34,000 फोर थाउजेंड ही सेल करूंगा स्टार्टिंग में जैसे जैसे ऊपर जाता है मैं मेरा स्ट्राइक चेंज करता रहूँगा अगर 34,000 से अगर मान लो कि 34,800 आ गया 34,700 आ गया मैंने सेल किया 34,000 अगर वापस 500 पॉइंट ऊपर गया तो मैं 500 पॉइंट और ऊपर आऊँगा एटलीस्ट डेढ़ परसेंट का जो मतलब मूव दे रहा है इतना डिफरेंस इसलिए रखूंगा अगर बाई चांस रिवर्स होता है तो मुझे एडजस्टमेंट के लिए टाइम मिल जाएगा कॉल सेल करके मैंने ये जो ट्रेडिंग किया है अभी तक मेरे वीकली ऑप्शन की है 2017 से लेके अभी तक सिर्फ ये ही फंडा पे की है और कुछ नहीं किया है ना मैं कोई भी आर देखता हूँ ना कोई इंडिकेटर देखता हूं मैं ना कोई मूविंग एवरेज भी नहीं देखता मैं सिर्फ ओनली वीवीएफ वॉल्यूम और ये बड़ी बड़ी कैंडल जो आती है टाइम फ्रेम में वो ही देखो ये एक आपके लिए सिंपल एग्जांपल हो गया अभी ये वाला देख लो मैं थोड़ा फिफ्टीन मिनट टाइम फ्रेम करता हूं ये वाला तीन चार दिन पहले का मूव देखो यहाँ पे जो ब्रेक हुआ था ना उसके बाद हैवी नीचे गया था यह शायद थर्सडे था हुँ। दूसरे दिन ये पूरा ऊपर रहा फ्राइडे को अभी यहाँ पे क्या होगा जैसे जैसे अगर ये लेवल पे वापस अगर आ जाता है ना तो आप यहाँ पे भी कॉल सेल बिंदास कर सकते हो क्योंकि ये जो सेलिंग हुआ था, उसको ये दिन में रिजेक्ट किया था लेकिन दूसरे दिन इसके हाई के ऊपर भी नहीं गया अगर आपको और कन्फर्मेशन लेना है तो तीसरे दिन चले जाओ और यहाँ पे ये जो हाई बनाया था ना वो स्ट्राइक का कॉल बेच दो एक बार अगर इतना मेरे मुझे सामने दिख रहा है मैं एग्जीक्यूट नहीं करूंगा तो मेरे पास पैसे आने वाले नहीं है एक बार अगर आपको पैसा बनाना है तो एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको सामने दिख रहा है देखो मुझे कोई बोलने नहीं आता है कि आप मुझे क्या करना है मुझे सिर्फ ये चार्ट बोल रहा है देखो यहाँ पे कन्फर्मेशन मुझे कब मिल रहा है कि इतना हैवी सेलिंग दूसरे दिन रिजेक्ट किया हु? अगर बायर स्ट्रांग है तो तीसरे दिन क्या करेंगे ऊपर लेके जाएंगे ना यहाँ पे क्या हो रहा है कर दिया हुँ? अगर मुझे और एक दिन वेट करना है चलो तो यहाँ पे अगर गैप डाउन होता है तो मैं ये स्ट्राइक का कॉल बेच दूंगा मैं। क्योंकि वापस अगर ऊपर जाना है तो उनको ये लेवल के ऊपर आना ही है सिर्फ आपको ये ये क्या हुआ रेजिस्टेंस नीचे में अगर मैं नीचे ये फाइंड कर रहा हूं तो सपोर्ट ये ब्रेक हो रहा है मुझे पूछ सेल करना ही नहीं अभी सिर्फ रेजिस्टेंस और सपोर्ट ये सिर्फ इतना समझ लोगे आपके अकाउंट में पैसे एवरी वीक वन परसेंट आ सकते हैं ज्यादा लालच नहीं करने का दस परसेंट बना लू पांच परसेंट बना लू मैं सिर्फ वन परसेंट का टारगेट रखता हूं वन परसेंट का टारगेट रखने के लिए आपको बैंक निफ्टी के ऑलमोस्ट पॉइंट कितने कैच करने पड़ते हैं एक लॉट पे अगर आपको एक हजार बनाना है पच्चीस का लॉट है तो चालीस पॉइंट कैच करना पड़ता है चालीस पचास पॉइंट कैच कर लोगे आपका वन परसेंट बन जाएगा कौन से दिन पे आपको डिसीजन लेना है जब भी कोई बड़ा मुंह आता है ना सिर्फ उसके बेस पे ये देखो ये बड़ा मुह आया था ये ये सबसे बड़ा आ, गैप डाउन हुआ दूसरे दिन ऊपर गया फिर वापस इनसाइड बन गया यहाँ पे सिर्फ तो ये कैंडल दूसरे दिन फॉलो अप दे रहा है यहाँ पे ऊपर गया था दूसरे दिन नहीं दे रहा है तो सिर्फ ये कैंडल अपने लिए बड़ी हो गई तो आप और फॉलो अप अगर नहीं आ रहा है तो आप ये रेजिस्टेंस बन गया आप डिसीजन ले सकते हो ऐसी छोटी छोटी कैंडल के बेस पे डिसीजन नहीं लेने का सबसे बड़ी कैंडल ढूंढने की कौन सी है क्योंकि छोटी कैंडल क्या रहती है वो ट्रेडिंग रहती है वो डिसीजन मेकर नहीं रहेगी सबसे बड़ी कैंडल देखो अगर यहां पे देखोगे तो देखो अगर आप प्रीवियस देखोगे तो ये वाली बड़ी कैंडल हो रही है फिर दूसरे दिन नीचे गया अगर समझ लो कि अगर पुट सेल करने का कॉन्फिडेंस कब आएगा जिस दिन यह बड़ी कैंडल के ऊपर ट्रेड करेगा ना तब आपको पुट सेल करने का कॉन्फिडेंस आएगा जब तक ये नीचे ट्रेड करेगा पुट सेल नहीं करने का अगर आप डायरेक्शनल ट्रेडर हो अभी ये बड़ी कैंडल कहां रिजेक्ट हो रही है ये लेवल पर रिजेक्ट हो रही है बराबर दूसरे दिन कन्फर्मेशन ले लो यहाँ यहाँ पे जो बड़ी कैंडल का झोलो था वो स्ट्राइक सिलेक्ट करके पुट सेल कर दो सिंपल है ना ये पूरा आपको सिर्फ बड़ी कैंडल का मुंह कैच करना है छोटी छोटी कैंडल का वेट मत करो ये ये कैंडल के बेस पे आप डिसीजन इतना इमिडिएटली तो नहीं ले पाओगे ये जो छोटी छोटी कैंडल है ना वो आपको डिसीजन मेकर कैंडल कौन सी रहेगी जो बड़ी बड़ी कैंडल रहती है ना वही रहती है इसमें ये कैंडल को भी आप बड़ी बोल सकते हो यहाँ पे जो हुई है ना ये भी ये जो छोटी कैंडल है वो भी बड़ी है हुँ? अगर उसका भी हाई और लो ब्रेक होने के बाद यहाँ पे देखो ये गया लेकिन इंट्रा में पूरा रेड बन रहा है इमीडिएटली कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर इसको ब्रेक करना है तो उसके जैसी बड़ी कैंडल ग्रीन में भी बननी पड़ेगी हम्म ये ग्रीन ऐसी बड़ी कैंडल आपको दिखेगी रेड के सामने तब जाके आपको पूट सेल करने में कॉन्फिडेंस आएगा यहाँ पे सेम अगर आपको ये देखो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे नया हाई बनाया था ये लेवल पे एक दो तीन दिन के बाद नीचे हुँ? आपको कॉन्फिडेंस आएगा ये सबसे बड़ी वाली कैंडल जिसमें बड़ा मूव आया था 41,700 से रिजेक्ट हो रहा है नेक्स्ट वीक आप क्या कर सकते हो 41,700 का कॉल बिंदास सेल कर सकते हो मैं देखो कुछ डेबिट स्प्रेड नहीं करता क्रेडिट स्प्रेड नहीं करता डायरेक्ट सीधा वन साइड सेल करता हूं डायरेक्शन के हिसाब से अगर मुझे दिख रहा है कि ये रिजेक्शन हो रहा है फोर्टी वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड कॉल में सेल करके पैसा बना लूंगा अभी डेबिट स्प्रेड क्यों नहीं कर रहा क्रेडिट क्यों नहीं कर रहा उसका भी मैं आपको अगर देख आप अगर कर रहे हो तो आपको पता होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं समझ लो कि किसी ने नाइनटी पे ऑप्शन सेल किया फोर्टी फाइव पे बाय किया हाँ? अगर वो नीचे जाएगा आपकी फेवर में 90 वाला 70 होगा वो 40 वाला 35 होगा आपको कितना मिलेगा 10 पॉइंट आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा क्योंकि आप कैश करने के बाद 10 उधर दे रहे हो बीस इधर दे रहे हो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा अगर समझ लो आपको पूरा लेना है दो दिन वेट किया 90 वाला 10 हो गया वो ऑलमोस्ट दो हो गया अब कुछ नहीं करोगे ऐसे ही बैठे रहोगे अगर बाय चांस रिवर्स हो गए ना वो वापस 90 पे आ जाएगा लेकिन वो फोर्टी वाला जीरो रहेगा आपका उधर गया और इधर कुछ नहीं मिलेगा ऐसा भी हो सकता है डेबिट में क्रेडिट में डेबिट में जो भी कर रहे हो बराबर तो जो सेल किया उसमें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो आपको वापस वो रेंज में आ जाएगा जहां सेल किया था अगर मार्केट रिवर्सल होता है तो अगर आपको पूरा पॉइंट कैच करना है तो अप टू एक्सपायरी डे एंड तक आपको वेट करना पड़ेगा उसके लिए इसलिए मैं ये दोनों स्प्रेड में कभी भी काम नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं मेरी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे अगर मुझे दिख रही है 90% परसेंट प्रॉबिलिटी मुझे मिल रही है कि ये मैं कॉल सेल करूँगा तो इसके चांसेस 90% है ज़ीरो होने के तो सिर्फ मैं वही सेल करूँगा 41,700 और कुछ नहीं करूँगा अगर नीचे जा रहा है यहाँ से नीचे जा रहा है देखो ये कंटिन्यूस नीचे गया अगर किसी ने मान लो कि स्ट्रेंगल कर दिया तो इसको यहाँ पर लॉस आने वाला है अभी अगर बड़ी कैंडल बन रही है अभी नेक्स्ट वीक चालू हुआ अगर ऊपर जा रहा है तो ये कैंडल के नीचे चले जाओ और पुट बेचो और यहाँ पे अभी भी आपको रेजिस्टेंस तो मिल रहा है स्ट्रेंगल भी कर सकते हो ऐसे टाइम में दोनों दिन सिर्फ एक अगर ये सब प्रैक्टिस अगर करना है तो एक, -एक लॉट से प्रैक्टिस करो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप मुझे याद करोगे कि ये आधा घंटा आपके लिए कितना कीमती था ऑप्शन बाय में इसलिए नहीं कर रहा हूँ समझ लो कि मेरे पास दस लाख कैपिटल है उसमें मैं सेल कर सेल करूंगा तो एक दस लॉट सेल कर रहा हूँ समझ लो उस एक लाख के डिसीजन के ऊपर पूरा कैपिटल मैं यूज नहीं करूंगा तो आठ लॉट सेल कर रहा हूँ ऐसा समझ लो अगर टू हंड्रेड वन हंड्रेड एंड फिफ्टी दो सौ क्वान्टिटी में सेल कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में अगर हंड्रेड पे सेल किया हंड्रेड पॉइंट्स मेरे अगेंस्ट में गया तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होगा ट्वेंटी थाउजेंड दस लाख के कैपिटल पे दो परसेंट लेकिन ऑप्शन बाय में अगर क्या हुआ क्या होगा आप बीस हजार का तो करने वाले नहीं हो चालीस हजार का तो करने वाले नहीं हो सीधा लगा दोगे दो तीन लाख या चार लाख दाव पर लगा दोगे ऑपोजिट गया सीधा दो लाख उठ जाएगा होता है ना ऐसा कौन है कि कौन ऐसा बंदा है कि दस लाख कैपिटल रहेगा और सिर्फ चालीस हजार का ऑप्शन बाय करेगा कोई भी नहीं है अगर वो चालीस हज़ार का ही ऑप्शन बाय करना है तो फिर सेलिंग में ही आ जाओ ना वापस हुँ? क्योंकि मिलने वाला तो वही अगर वो डबल होता है तो चालीस ही मिलने वाला है ये ट्रिपल त्री, फो, फोर टाइम्स फाइव टाइम्स होते हैं लेकिन किसी की बैठने की हिम्मत नहीं है कि उतनी कि वो बैठ के दिखाए कि दस वा, बीस वाला बाय करके ढाई सौ में बेच के दिखा वो किसी की हिम्मत नहीं है वो चालीस में ही निकल जाएगा नाइन्टी फाइव परसेंट या नाइन्टी नाइन परसेंट रुक निकल जाएंगे बीस का चालीस होने में लेकिन बीस का जीरो होगा वो एवरी टाइम वो बीस का जीरो तो करेंगे होता ही है उनका दस में से दो बार मिलेगा आठ बार देके जाएंगे लास्ट में उनका कैपिटल जीरो ही रहता है ऑप्शन में स्लो मोशन में जीरो ही बनता है कुछ अगर कोई लोग बोलते हैं कि ऑप्शन बाइंग से पैसा बनता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल पर्सन है और पर वो हज़ार में से एक बंदा ऐसा रहेगा लेकिन वो ऐसा जरूरी नहीं कि उसकी स्किल आप में भी आ जाए बायर की लेकिन सेलर की स्किल आपके अंदर आ सकती है क्योंकि उस सेलिंग में देखो उतना आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है सेलिंग में कि मेरी प्रोबेबिलिटी कहाँ पे ज्यादा है वो ऑप्शन जीरो होने की बाइंग में क्या आपको ट्रेंड कैच करना है अगर ट्रेंड कैच करने के बाद ऊपर जाके भी अगर वो वहाँ पे कंसोलिडेशन होता है तो बाइंग में जो मोमेंटम आता है वो भी चला जाता है और वो प्रीमियम धीरे धीरे नीचे भी जाता है और आप वहाँ पे निकल जाओगे अगर इतना पैसा आप बाइंग में समझ लो दस लाख का आपने पचास लाख भी कर दिया स्केल अप नहीं कर पाओगे आप बाइंग में क्योंकि एक दिन तो ऐसा आएगा कि वापस पचास का दस पे आ जाओगे सेलिंग में आप दस लाख का दो करोड़ बना लो बीस करोड़ बना लो पचास भी बना लो आप पूरा पैसा उसमें स्केल कर सकते हो स्केलिंग में क्योंकि उसमें आपका ज, अगर समझ लो कि चार परसेंट भी अगर दो परसेंट भी गैप डाउन होता है इंडेक्स सेलिंग में आपका ज्यादा से ज्यादा जाएगा अगर फुल कैपिटल यूज किया तो पाँच परसेंट से ज्यादा नहीं उड़ेगा आप लोगों का लेकिन बाइंग में क्या होगा पैसा जाएगा अगर पाँच परसेंट अगर आपका जा सकता है पैसा सेलिंग से क्योंकि आप सेलर हो आपको पता है कि प्रॉबिलिटी आप फाइंड कर सकते हो पुट ऑप्शन की वो आप दो महीने में रिकवर भी कर सकते हो वो पैसे वापस अगर आप डिसिप्लिन से ट्रेड करोगे तो अगर सेलिंग में भी अगर आपने डिसिप्लिन नहीं लिया सेल किया फार ओटीएम ऑप्शन बाई किया और एडिशनल क्वांटिटी सेल की मतलब आप ओवर लिवरेज हो जाओगे सेलिंग में तो उसमें भी पैसे जाने के चांस रहते हैं सेलिंग में भी अगर आप अपने कैपिटल से ट्रेड करोगे लिवरेज नहीं लोगे तो आज की कंडीशन में जो सेबी ने मार्जिन बढ़ा के रखे हैं वो एक्चुअल सेलर के लिए वो फायदे वाले ही है क्योंकि उस वो चाहकर भी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं कर पाएगा फुल कैपिटल में क्योंकि मेरा ही एग्जांपल देता हूँ 2017 में वो टाइम पे सिर्फ ओनली स्पान मार्जिन भी चलता था कुछ ब्रोकर ओनली स्पान मार्जिन लेते थे कुछ स्पान प्लस एक्सपोजर मैं वो टाइम पे 32,000 कैपिटल पे बैंक निफ़्टी का 40 क्वांटिटी सेल करता था क्योंकि वो टाइम पे फोर्टी का लॉट था मैंने सिर्फ नेक ऑप्शन सेल कर करके रखे थे नेकेड ऑप्शन गैप अप हुआ 3%, मेरा सिंगल डे में ट्वेंटी फाइव परसेंट कैपिटल लॉस हुआ था क्यों गया था आ, आज क्वॉंटिटी मैंने थर्टी टू थाउजेंड में सेल किया था अगर मैं उसको ट्वेंटी पे करता हूँ आज का लॉट ट्वेंटी है बराबर तो कितना बीस का मेरा मार्जिन अप्रोक्सीमेटली हुआ आज के डेट में हा? अभी अभी कितना चल रहा है वन लैख चल रहा है ऑलमोस्ट फाइव टाइम्स इंक्रीज हो गया तो 25 के बदले अगर मेरा तीन चार परसेंट भी गैप अप होता है या गैप डाउन होता है तो मेरा पाँच परसेंट से जाने का चांसेस रहेगा क्योंकि वो टाइम पे 25 फाइव इसलिए किया था गया था मेरा कि मैं बहुत ही ओवर लिवरेज था वो टाइम पे स्पान मार्जिन पे मैं ट्रेडिंग करता था ओनली ट्रेंड कैच करके उसमें मेरा कैपिटल थ्री मंथ्स में थ्री टाइम्स भी हुआ था लेकिन अगर जाता है ऐसा तो आपका जाएगा भी वैसा ही अगर आप स्किल ट्रेडर हो तो बनेगा भी वैसा और जाएगा भी वैसा ही एक दिन में अगर आप 20-25 परसेंट डो डाउन देखने की ताकत है तो आप ओवर लिवरेज से ट्रेडिंग कर सकते हो अगर नहीं है तो वो मत करो क्योंकि सबकी साइकोलॉजी सेम नहीं रहती है इतना डाउन देखने की इसलिए अभी जो ऑप्शन बाय करके भी आप लिवरेज कम करते हो अपना उसमें भी अगर समझ लो कि एक वन सीआर कैपिटल पे ऑलमोस्ट पंद्रह सौ क्वांटिटी बैंक निफ्टी का सेल होता है ऑप्शन बाय करोगे सेल करोगे बाय करोगे सेल करोगे तो वो क्वांटिटी जाता है पाँच हजार रुपए हंड्रेड परसेंट हंड्रेड पॉइंट आपके अगेंस्ट में गया तो कितना पाँच लाख उड़ जाएगा ना पाँच परसेंट उड़ेगा और उसमें कितना जाएगा पंद्रह सौ पे डेढ़ परसेंट तो आपका आएगा भी वैसा ही और जाएगा भी वैसा ही तो अपने रिस्क के हिसाब से आप क्वांटिटी पोजिशन साइज अपने रिस्क के हिसाब से आप ले सकते हो लेकिन अगर आपको वीक में वन परसेंट मिलता है मान लो कि वन भी नहीं मिल रहा है पॉइंट सेवन फाइव मिल रहा है और महीने का तीन परसेंट मिल रहा है अगर आप कंपाउंडिंग करते हो तो एवरेज रिटर्न आपका आएगा थर्टी फाइव से फोर्टी परसेंट साल का अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो तो बिजनेस में भी आपको सिर्फ ट्वेंटी मिलता है तो इसको ट्रेडिंग को भी एक बिजनेस की नज़र से देखो साल का थर्टी फाइव फोर्टी रिटर्न भी बहुत होता है अगर बड़े कैपिटल से ट्रेड करते हो तो दस लाख वाले अगर ट्रेड करेंगे थर्टी फाइव परसेंट उनको साढ़े तीन लाख देगा उनको अच्छा नहीं लगेगा आज के डेट में क्यों नहीं लगेगा क्योंकि आज खर्चे ही उतने हैं बराबर पचास हजार साठ हजार खर्चे ऐसे ही हो रहे हैं मतलब ये जो इन्फ्लेशन के रेट के अपना मंथली एक्सपेंस के हिसाब से उनको वो अच्छा नहीं लग रहा है थर्टी रिटर्न तो दस करोड़ वाला भी साढ़े तीन करोड़ बनाएगा ये दस लाख वाला भी साढ़े तीन लाख बनाएगा रिटर्न दोनों में सेम है लेकिन उसका जो फिगर का जो साइकोलॉजी है ना वो ट्रेडिंग पूरा चेंज कर देता है लोगों का अगर वो कंपाउंड करेगा धीरे धीरे तो वो भी एक लेवल पे वहाँ पे पहुँच सकता है दस लाख वाला भी इसलिए साइकोलॉजी भी बहुत इम्पैक्ट करता है क्योंकि किसी को महीने के अगर तीन परसेंट दस लाख के ऊपर तीस हज़ार रुपया किसी को भी अच्छे नहीं लगेंगे आज की डेट में क्योंकि थर्टी तो ऐसे तो ही खर्च हो जाते हैं अगर वही बंदा पचास से पचास लाख से ट्रेड करेगा और डेढ़ लाख बनाएगा ना तो वो खुश होगा वो बंदा इसलिए अगर आपकी साइकोलॉजी ऐसे इम्पेक्ट करती है तो अपने पापा से पैसे मांग लो पचास लाख और तीन परसेंट बनाओ पांच लाख दस लाख से ट्रेड करोगे और तीन परसेंट भी बनाओगे आपको अच्छा नहीं लगेगा ओवर करोगे वो दस लाख भी चले जाएंगे और ऐसा होता ही है पैसे तभी मांगने का अपने घर वालों से जब आप प्रॉफिटेबल रहते हो पूरे एक दो साल के लिए तब हुँ? नहीं तो मत मांगना और ये जो अपना जो ये ट्रेडिंग है वो एक दो साल का गेम नहीं है मतलब एक दो साल आपने देखा आप सोच लिया कि मुझे ट्रेडिंग आ चुका है ऐसा नहीं है ये मैंने ऑलमोस्ट मार्केट में 10 से 12 साल निकाले हैं तब जाके मैं ये लेवल पे पहुंचा हूँ। और वो भी पूरा ऑब्जर्वेशन के साथ जब मैं ट्रेडिंग भी नहीं करता था 12 से लेके 2016 के पीरियड में मैं ट्रेडिंग भी नहीं करता था तो भी मैं डेली चार्ट दिखता था सभी स्टॉक के और इंडेक्स के कि आज कैसे मूव हुआ क्यों हुआ ऐसे वापस नीचे क्यों आया ऊपर क्यों गया अगर आप में ऐसा फैसन है तो ही आगे बढ़ो ट्रेडिंग में अगर कुछ भी अगर कितने लोग ऐसे हैं कि ये इतना ऊपर क्यों गया और कौन से रीजन से गया ऐसा मतलब चार्ट देख के भी कुछ सोचते हैं कितने लोग सोचते हैं बहुत कम लोग सोचते हैं इसलिए उनके पैसे नहीं बनते जो सोचते नहीं है ना उनके बनेंगे ही नहीं क्योंकि उनमें माइंड सेट डेवलप ही कैसे होगा कि वो ऊपर गया भाई यहाँ से सपोर्ट क्यों लिया यहाँ से रेजिस्टेंस क्यों लिया इतना बड़ा वॉल्यूम क्यों आया यहाँ पे ये कैंडल में अगर आने वॉल्यूम आने के बाद भी ऊपर क्यों नहीं गया ऐसे दिमाग में अपने आप क्वेश्चन करो ऑटोमेटिक आपको गेम समझ में आ जाएगा ठीक है चलो अभी टाइम लिमिट की वजह से अगर आपके किसी के पास क्वेश्चन है तो कोई मुझे पूछ सकता है खास करके वो जो सर्किट वाले अंकल भी पूछ सकते हैं हेलो सर आपका फाइव सी आर लॉस हुआ था आपने उस दिन बोला था एट्टी पॉइंट एट्टी सेवन लाख प्रॉफिट हो के बाद में लॉस हो गया था फोर करोड़ वो कैसे हो गया था वो सिर्फ मेरा ब्लंडर की वजह से हुआ था एक्चुअल पोजीशन साइज की वजह से नहीं हुआ था मेरा पर आपने बोला था वो कॉल का कुछ रुपए मतलब 200 में बाय करना था और वो 1500 में बाय हुआ था मुझे पुट बाय करने का था लेकिन yes. मैंने गलती से कॉल का ऑर्डर लगा दिया था हां वो कॉल स्क्वायर ऑफ 1500 पे कर दिया था इसलिए मेरा 1500 पे कॉल एग्जीक्यूट हो गए थे। सर आपको कैसे मालूम होगा कि यहां पे अभी मेरे को पुट बाय मतलब वो करना था कॉल तो गलती से हुआ था मतलब बाद में स्क्रीन पे तो देखूंगा ना मैं पर वही सर दिखा दीजिए ना बस स्क्रीन ही बताएगा ना मुझे और कौन बताएगा बस तो आप वो आपने क्या मतलब गेस किया था यहाँ कि से पुट करने का समझा नहीं क्या बोलना रहे मतलब जो आपको ऐड करना था पुट वो कॉल हुआ था गलती से वो पुट क्या श्योरिटी थी कि वहाँ से अभी पुट को लेने लायक है मतलब उस दिन जो लॉस हुआ था ना आपने बोला पुट के जगह मैंने कॉल बाय बाय हो गया था ब्लाइंडर उस जगह जिस रेजिडेंस से और नीचे जाने का था पुट के साइड और रेंज कैसे डिफाइन किया था कि अभी यहाँ से ही निकल मतलब पुट साइड जाने का उस दिन गैप डाउन हुआ था हाँ सर और थर्सडे थर्सडे था अपना शायद थर्सडे था उस दिन हाँ था। और कौन सा रेंज ब्रेक किया था उसने 16 800 वाला रेंज ब्रेक किया था शायद बरबर हाँ बाकी के टाइम पे क्या हुआ था सोलह आठ सो, ये, ये था शायद सोलह आठ सौ पे जितनी भी बार पांच बार बाउंस दिया था इस बार ये दिन उसने सीधा डायरेक्ट गैप डाउन किया और वहां पे मतलब बायर्स का प्रेशर रह सकता है अपनी पोजिशन स्क्वायर ऑफ करने की तो वो आपको इतना थोड़ा एटलीस्ट कॉन्फिडेंस दे के जा सकता है कि आज बाइंग वालों का प्रेशर आएगा पोजीशन निकालने का तो मार्केट डाउन जा सकता है तो वो टाइम पे मैंने वापस कॉल सेल करके अपने जो भी लॉस हुआ था वो निकाल लिया था लॉजिक वही था कि जो 1680 सपोर्ट लेके बार-बार ऊपर चला जाता था वो इस बार सीधा डायरेक्ट गैप डाउन किया था वो लेवल को इसलिए ओके थैंक यू सर हाय मितेशी हेलो सर सर ये तीन मिनट का चार्ट कर दो ना एक क्वेश्चन है उसमें huh? तीन मिनट का चार्ट कर दो ना इसको थ्री हा, मिनट्स हाँ थ्री मिनट्स हाँ इसमें दो दिन पहले जैसा आपने लॉजिक बताया था कि वॉल्यूम आता है तो दो दिन पहले भी एक वॉल्यूम आया था तीन बजे के बाद और वहाँ पे बाइंग प्रेशर आया था तो उस टाइम पे आपने ये, ये, इसके पहले वाला ये हाँ ये वाला भी और इसके पहले वाले में भी सेम पैटर्न है तो ये, पे ये वाला बोल रहे हो ना आप हाँ इसके पहले दिन भी अच्छा काट लिया था ठीक हाँ. है वही पूछना था आपने बोला था यहाँ पे देखो आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे ऊपर गया अगर वापस दूसरे दिन अगर यहाँ एटलीस्ट 50 परसेंट मूव अगर उसके नीचे आ जाता है तो वापस आप डिसीजन ले सकते हो कॉल सेल करने का फिफ्टी परसेंट में थैंक यू मितेशी हाय हाई सो आप जो आप कर रहे हो इसमें खाली दो चार चीज़ मेरे को समझनी है आई गेस सो फ्रॉम बिहाफ ऑफ ऑल द ऑप्शन ट्रेडर्स हम डिसाइड करते हैं कि हमें कॉल सेल करना है या पुट सेल करना है सो से फॉर इंस्टेंस आपने 41100 का कॉल बेचा था उस पॉइंट पे सो so, कोई भी ट्रेड मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है ट्रेड लेना इजी है ट्रेड को मैनेज करना बहुत इम्पॉटेंट है हमारा पास ऑप्शन सेल करते प्रीमियम मिलता है अब आपका व्हाट इज द थ्रेश मैंने 80 पे बेचा मैं पूरा ज़ीरो होने का वेट करेंगे 80 का अगर 20 आ गया तो हम पार्शल स्क्वायर ऑफ करते जाएंगे लास्ट का जो दस पंद्रह रुपये में है क्या हम पूरी क्वान्टिटी रखेंगे कि नहीं रखेंगे सो पोजिशन साइजिंग इन टर्म्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है सो कैन यू शेयर सम आइडियाज ऑन दैट फ्रंट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द ऑप्शन लवर्स आर देयर फॉर यू अभी ये देखो मैंने एक ट्वीट भी किया था कि ये थर्सडे को मैंने तीन बजकर सात मिनट को जो मेरे जो कॉल ऑप्शन थे थर्टी फोर नाइन हंड्रेड के वो सात रुपये और टू पॉइंट एट पर काट लिए थे बराबर अगर मुझे पता है कि उससे ज़्यादा मुझे मिलने वाला नहीं है स्पॉट चल रहा है एट फिफ्टी नाइन हंड्रेड का कॉल चल रहा है सात रुपया इतनी मूवमेंट में हंड्रेड पॉइंट तो मूव आ सकता है वो तो सात वाला पचास होने के चांस ज़्यादा रहते हैं प्रॉबेबिलिटी ज़्यादा रहती है क्योंकि हंड्रेड पॉइंट्स का मूव ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है अगर मान लो कि बाई चांस अगर ऊपर आया तो मैंने जो पूरा दिन में जो प्रॉफिट लिया या पूरा वीक में ले रहा हो समझ लो कि वो जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ना लास्ट में तीन बजे के बाद अगर आप फिफ्टी पॉइंट ही दूर हो ऐसे केस में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए पूरा जीरो होने का वेट नहीं करना चाहिए और वो भी नॉर्मली ढाई बजे के बाद तो बिल्कुल वेट मत करो एक्सपायरी के दिन क्योंकि टू थर्टी के बाद मैंने मैंने बहुत बहुत टाइम पे देखा है कि एक रुपये वाला कॉल मैंने ढाई सौ भी देखा है दो हजार अठारह में तीन बजे के बाद भी देखा है और दस बजे के बाद भी देखा है दस बजे के बाद मैंने तो पाँच वाला सिक्स हंड्रेड देखा है वो निर्मला सीतारामन वाला कैंडल आया था ना उसके दूसरे दिन पाँच वाला सिक्स हंड्रेड हुआ था दस बजे के बाद वो टाइम पे तो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाता है कि दस बजे मूव आएगा ऐसा लेकिन उस दिन आया था और तीन बजे के बाद तो मैं दो तीन वाले ऑप्शन सेल भी नहीं करता हूं। अगर मैंने सेल करके रखे है तो दस के नीचे जाता है मैं तो बोलता हूँ बुक कर लो समझ लेना कि hmm. मैंने सिक्सटी पे बेचा और मैंने पूरे सिक्सटी पॉइंट्स मिल गए जीरो कर दिया एटी दिमाग में डाल के मत बैठो कि मुझे पूरा एटी पॉइंट्स ही लेना है अगर आप

अगर अपमो हो रहा है बराबर जी अपमो में वॉल्यूम आया ये एग्जांपल ले लो ये वाला कैंडल का देखो ये जो बड़ी कैंडल हुई अगर अपमो आ रहा है हा? अगर अपमो को सस्टेन करना है ना इसमें जो वॉल्यूम आया ना तो इसके नीचे नहीं जाएगा वो तो अगर जाता भी है तो ऐसे जाके फिर वापस ऊपर जाएगा इमिडिएटली इन वन मिनट में कभी कभी ऐसा होता है और नीचे पिन बन जाता है बराबर अगर उसको सस्टेन करना है तो ऐसे पिन भी बन जाएगा और वापस ऊपर भी चला जाएगा अगर ये क्यों कभी कभी क्या होता है इसको स्टॉप स्टॉप लॉस लॉस लोगों के काटने के काटने लिए एक बार ऐसे नीचे जर्क देता है है फिर वापस ऊपर चला जाता है। तो ऐसे केस में आप वापस उसको समझ सकते हो कि अपमुह हो सकता है कि जाएगा अगर मान लो कि नीचे जाने के बाद ऊपर नहीं जा रहा और ब्रेक कर रहा है तो आपका अपमु रिजेक्ट हो जाता है और दूसरा इंडिकेशन ये वॉल्यूम kind of लेकिन यहाँ पे, ये आपको क्या कर रहा है? में यहाँ पे बड़ा मुंह आया तो ये सेम वॉल्यूम नहीं आ रहा है hmm? Hmm. आप रेजिस्टेंस फील कर सकते हो यहाँ पे एक्सपीरियंस okay. के हिसाब हेलो सर सर वन सेकेंड सेलिंग में भी मतलब वॉल्यूम्स जो रिजेक्शन कैंडल हो

आप ऑलरेडी आपका रिस्क ऑटोमेटिक डिफाइन हो ही चुका है okay. क्योंकि आपको वन लेख के ऊपर ही आपको एक लॉट सेल करने को मिलता है पहले तो कम पैसे से बहुत लॉट सेल होते थे फिफ्टी थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड ऐसे अभी आपका रिस्क क्या है कि अगर आप ए ऑप्शन सेल कर रहे हो तो आपके रिस्क बढ़ जाते हैं फायर ओ टीएम करोगे तो आपका रिस्क जितना दूर जाओगे उतना आपका रिस्क कम okay. अगर आप रिस्क टेकर है एटीएम सेल कर रहे हो तो आपका ड्रोडाउन दिन में थ्री परसेंट देखने की ताकत होनी चाहिए क्योंकि ए ऑप्शन बढ़ेगा तो सीधा हंड्रेड टू बढ़ेगा वो पच्चीस बीस पच्चीस नहीं बढ़ने वाला ओके okay. अगर एक लॉट सेल कर रहे हो तो आपका एक लाख के ऊपर सीधा ढाई हजार जाएगा तो दो परसेंट का ड्रॉ डाउन तो आपको ऐसे ही दिखेगा अगर आपकी ताकत है तीन चार परसेंट इंट्रा डे देखने की तब जाके एटीएम सेल करो नहीं तो फिर फार ओ टी एम पे लगे रहोके थैंक यू हेलो सर हाँ सर थैंक यू सर हेलो सर सर मैं ये पूछना चाहता हूँ आपने ट्रेडिंग में जो तीन मिनट की कैंडल की बात की है और पी वेब का इस्तेमाल करना चाहते हैं आप और वो वो वर्क भी करता है मैं भी उसमें मानता हूँ सर तो आपकी जो ट्रेडिंग की जो साइकोलॉजी मतलब वो सिस्टम है वो बहुत ही ईजी है और मैं भी ऐसा मानता हूँ कि ट्रेडिंग में अपनी सिस्टम इजी होनी चाहिए तो पहले उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर और और अप्रिसट दैट इट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल इफ़ यू लर्न दैट सर नाउ मेरा दूसरा क्वेश्चन उसके साथ रिलेटेड है कि ये जो तीन मिनट की कैंडल होती है मेरे समझता है थोड़ा थो बड़ा डिसेसिव होती है मतलब डिसीजन नहीं क्रिएट करती मैं कैंडल पैटर्न भी समझता हूँ लो दो जी है इनफ्लिंगिंग है सब वो समझ में आता है मुझे तो क्या ये पंद्रह मिनट में या पाँच मिनट में अच्छा रहेगा या फिर क्या हो सकता है ये तीन मिनट में ही करना ठीक रहता है क्योंकि आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है आप बहुत ही इसमें एक्सपर्ट है ऐसा। अभी हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं ये वाला जो मैं कैंडल बोला ना अभी देखो ये बड़ा वॉल्यूम कैंडल इसको लिफ्ट करने के लिए ये वॉल्यूम लगा हुँ. सेम थ्री मिनट में आपको इतना हुँ. ही वॉल्यूम में लेकिन लिफ्ट नहीं हुआ अगर आप अगर इसको कम्बाइंड कर देते हो पंद्रह मिनट आपको बहुत लेट समझ में आ जाएगा कि रेजिस्टेंस वहां वा, वा, पे फील कर रहा है आएगा जल्दी समझ में नहीं। क्योंकि आपको बता ही नहीं रहा है कब बता रहा है कि डे एंड के आसपास बता रहे आपको ये अगर आपको जल्दी समझना है तो आपको टाइम फ्रेम कम में ही देखना पड़ेगा कि कौन सी कैंडल में वॉल्यूम आया था और कौन किसमें आपको डिसीजन लेना है वो आपको सिर्फ ये, ये कैंडल देखो पंद्रह मिनट का कंबाइंड करोगे ये दोनों मिलके वॉल्यूम बनेगा लेकिन आपको कब समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ पे भी इतने वॉल्यूम से सिर्फ तीन मिनट के अंदर ट्राई किया लेकिन वो ऊपर नहीं गया पंद्रह मिनट में तो आपको क्या दिखेगा ग्रीन ही दिखेगा ना जल्दी नहीं, नहीं समझ पाओगे आप अगर, अगर तो इस, इसको और स्प्लिट करो एक मिनट में अगर क्योंकि मैंने देखा नहीं है एक मिनट का अगर हम देखते हैं यहाँ पे यहाँ पे एक मिनट में देखो ये जो बड़े बड़े जा रहे हैं ये सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम यही कैंडल में आया था एक मिनट के कैंडल 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 में में और नेक्स्ट में वो नीचे भी आ गया वो ये जो हाईएस्ट वॉल्यूम वाला अगर दूसरा अगर आप देखते हो तो यहाँ पे रिजेक्शन हो जाता है सबसे जो बड़े वॉल्यूम वाले कैंडल आए एक मिनट में तो आप इसके बेस पे भी डिसीजन ले सकते हो कि यहाँ पे जो ऊपर का जो मूव आया था वो यहाँ पे सस्टेन नहीं कर रहा है अच्छा हाँ सर तो बड़े टाइम से से हम हम डिसाइड करें करें मतलब मिनट मिनट और तीन के कैंडल आप... तो है है तो मैं, मैं इसलिए कि कि मुझे वो वॉल्यूम समझना है कि अगर मैं उसको थर्टी मिनट्स भी कर दूंगा तो मुझे जल्दी समझ में नहीं आएगा ना कि मुझे डिसीजन कौन से बेस पे लेना है वो और सर अभी कोई भूल जाए इसलिए मैं यहाँ पे देखो अगर आप थर्टी मिनट्स के बेस पे यहाँ पे डिसीजन ले आपको तो सिर्फ ही दिख रहा है और मैं ये आज जे ने ये जो ऑप्शन के लिए मेरे ख्याल से सूरत में पहली बार पूरा दिन ऑप्शन में उन्होंने ये जो मैनेज किया इसके लिए मैं मैं तो बोलता हूँ सबकी तरफ से तालियां बजा कर जे को और अगर ये फ्री में इवेंट नहीं होता तो मैं कभी नहीं आता सर तो ये फ्री में रखा उन्होंने उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जे को बहुत राख सलाम है ये ऑप्शन मैं आपको बता दूँ जितना मैं समझ पाया हूँ मैं काफ़ी दिनों से देखता हूँ करता हूँ वो तो जल्दी नहीं आएगा सर जी हेलो वेरी मच इधर हेलो 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 सर गुड इवनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब मैं ट्विटर uh, पे भी आपको फॉलो करता हूँ तो so, आपको मतलब आप बहुत लर्निंग देते हो उधर तो so उससे बहुत हेल्प होता है थैंक यू फॉर देट तो मेरा एक्चुअली दो क्वेश्चन है द फर्स्ट वन इज इफ यू कैन गो टू द लास्ट विंडो डेली डेली टाइम फ्रेम कहाँ पे बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम लास्ट विंडो में तो आपने जो रेंज uh, ड्रॉ किया है उधर तो आपने बोला कि uh, मतलब पुट uh, बाई करने पुट सेल करने का कंफर्मेशन तभी आएगा जब वो बड़ी रेड कैंडल अब सब होगी तो नीचे uh, फिर भी दस मतलब दस दिन तो ट्रेडिंग हुई है तो उस केस में हमें मतलब कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए उधर वेट करना चाहिए या मतलब उधर क्योंकि ऊपर नीचे तो होगा तो उस टाइम पे कैसे मैनेज करना चाहिए एक, एक बार फिर से बोलो सो बिग कैंडल लेफ्ट साइड यहाँ पे हाँ हा, हा. तो इसके बाद जो सात आठ दिन मतलब उस वो उसके बाद पुट, पुट सेल करने का कंफर्मेशन तभी आएगा जब वो राइट right साइड वाली बिग कैंडल बनेगी अभी हाँ ये देखो

यहाँ पे क्यों सेल नहीं करना चाहिए अगर बाई चांस अगर ये सपोर्ट ब्रेक नेक्स्ट डे किया तो आपको में लॉस हो सकता है अगर इसको कंफर्मेशन लेना है अगर ये भी यहाँ पे भी सेलिंग आ गया अगर सेलिंग यहाँ पे हॉल्ट हो रहा है और आपको यहाँ पे अगर एक गैप वाला दिख रहा है तो ये टाइम पे आप डिसीजन लो पुट सेल करने का ओके नहीं ये फिर भी डेली टाइम फ्रेम है ना तो सात आठ दिन तो हुए बीच में हाँ तो उधर उस उस केस में उद, उस वीक में कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए नहीं जब तक आपको ये ये रेजिस्टेंस आ रहा है आप कॉल करो अगर यहां से अगर अगर से से लो लेवल से अगर बैंक मोर देन भी तब तब मूव में तो क्या वो पुल बैक आते रहते हैं छोटे छोटे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ओके। और एक क्वेश्चन सर आ, मतलब अभी फ्राइडे को जब हम ऑप्शन सेलिंग करेंगे वीकली का तो कितने मार्जिन से करना चाहिए सो दैट वी कैन वी विल हैव फ्लेक्सिबल अमाउंट फॉर एडजस्टिंग क्या मतलब एडजस्टमेंट के लिए कितना मार्जिन रखना चाहिए फुल कैपिटल है ना कभी एटलीस्ट ट्वेंटी परसेंट बैलेंस तो रखने का आपको क्योंकि अगर आप वन साइड वन लेग पे सेल कर रहे हो तो दूसरे लेग में ट्वेंटी परसेंट कैपिटल इनफ है एडजस्टमेंट करने के लिए क्योंकि दूसरी साइड पे आपको मार्जिन फुल मार्जिन नहीं लगता है जितना वन साइड में लगता है तो ट्वेंटी परसेंट बैलेंस तो रखो हेलो हाँ सर मेरा ये क्वेश्चन था सर आपने जैसे पिछली बार एक ब्लंडर किया था ट्विटर पे आपने जैसे कहा तो उस टाइम पे आपने मतलब अपनी साइकोलॉजी कैसे मैनेज की हाँ ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही है मैं यही मानता हूँ कि मेरे पास वो पांच करोड़ थे ही नहीं बस ये सोच के आगे बढ़ो आप आगे बढ़ोगे सर सर एक स्मॉल क्वेश्चन प्रकाश सर मुझे आपने जैसे जैसी रिवर्सल की बात कही सर जैसे हमको अगर रिवर्सल पता चल जाता है तो आप तो सर इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में सेलिंग uh, करते हैं तो जस्ट सर आई वांट टू नो वन थिंग कि आप स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन करते हैं सर लेवल के हिसाब से लेवल के हिसाब से स्टॉप लॉस तो स्टॉप लॉस शुड भी सर इन परसेंटेज और इन पॉइंट्स सर की देखो अभी मैं टाइम लिमिट के हिसाब से मैं ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा यस सर ये मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ okay. अगर समझ लो कि यहाँ पे आपको रिवर्सल दिख रहा है मैंने यहाँ पे कॉल सेल किया है ओके okay. अगर वापस उसको अपवर्ड जर्नी करनी है तो ये लेवल को ब्रेक करेगा जी. अगर ये लेवल पे ऑप्शन का प्राइस जो भी रहेगा वो मेरा स्टॉपलस रहेगा ओके थैंक यू सर सर